Welcome friends, today we learn class 11th lesson number 4, Boss came to dinner, boss है, वो came to dinner, यानि boss है, वो रात्रि भोज पर आते हैं, the boss came to dinner is a study of human character, the boss came to dinner, तो यह है भीष्म शानी द्वारा लिखा हुआ, एक है, तो यह जो कहानी है द बोस केम टू डिनर यानी बोस है वो रात्रि भोज पर आता है इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर इन ऑर्डिनरी ये एक मानव चरित्र का अध्ययन है सामान्य सामान्य रूप से एवरीडे सिचुएशन जो रोजाना की एक परिस्थिति होती है विथ ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट और इसके अंदर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि निहित है द स्टोरी रेंडर्स वेरी पावरफुल श्यामनाथ एंग्जाइटी टू प्लीज हिज अमेरिकन बॉस और इस कहानी के अंदर जो श्यामनाथ है उसकी जो सबसे ज्यादा चिंता है कि वह पावरफुली रेंडर इन दे रही है कि वो किस तरह से टू प्लीज हिज अमेरिकन बॉस अपना जो अमेरिका का जो बॉस है अमेरिका का रहने वाला जो उसका बॉस है हुम ही हैज इन्वाइटेड फॉर डिनर जिसको वह रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर चुका है हिज मदर ए वेरी लविंग एंड काइंड वन उसकी माँ है वो बहुत ही प्रिय और दयालु स्त्री है बट लेकिन एन ओल्ड फैशन वुमेन लेकिन एक पुरानी शैली की महिला है अपियर टू स्टैंड इन हिज वे वो अपनी अपनी स्थिति के अंदर खड़ी हुई है एंड ही विशेज टू गेट इट ऑफ हर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्ब्रेसमेंट एंड और ही विशेज और वह चाह रहा है कौन श्यामनाथ टू गेट इट ऑफ हर कि वह उससे उसको मुक्ति मिल जाए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्ब्रेसमेंट जिससे किसी भी प्रकार की मुसीबत से बचा जा सके बट लेकिन इट इज द मदर हु इवेंचुअली इमर्जेज एज ए सेवियर लेकिन यह माई है जो आखिरकार एक मुक्तिदाता के रूप में उभर करके आती है फॉर श्यामनाथ एंड हिज वाइफ श्यामनाथ और उसकी पत्नी के लिए द स्टोरी द बॉस केम टू डिनर इज रिटन बाई पद्म भूषण साहनी ये जो स्टोरी द बॉस केम टू डिनर है ये पद्म भूषण साहनी द्वारा लिखी गई है ए वेल नोन हिंदी राइटर जो हिंदी के एक ख्याति प्राप्त लेखक हैं प्ले राइटर नाटककार हैं एंड एक्टर और अभिनेता हैं अमोंग हिज नॉवल्स और उनके नॉवल जो उपन्यास हैं उनके बीच में द बेस्ट नोन इज तमस सबसे ख्याति प्राप्त है वो तमस है 1974 में सेट अगेन द बैकग्राउंड ऑफ कम्युनल रियोड्स वो जो अवस्थित है जो कम्युनल रिवर्स यानी उपद्रव हुए सांप्रदायिक जो झगड़े हुए उनके लिए इन द वेस्ट पंजाब पश्चिमी पंजाब के अंदर बिफोर पार्टीशन यानी अलग होने से पहले या विभाजन से पहले ये रिसीव्ड इंडियन हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड द साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2002 और उसको भारत का सबसे जो साहित्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है हिंदी साहित्य हिंदी अकादमी फेलोशिप है वो 2002 के अंदर इसको मिला नाउ वी स्टार्ट टेक्स्ट द बॉस केम टू डिनर बॉस है वो रात्रि भोज के ऊपर आया मिस्टर श्यामनाथ हैज इनवाइटेड हिज बॉस टू डिनर मिस्टर श्यामनाथ है उसने अपने बॉस को रात्रि भोज पर आमंत्रित कर चुका था नाइदर ही नोर हिज वाइफ कुड पोज इवन टू वाइप द प्रस्पेक्शन फ्रॉम देयर फेसेस न तो वह और न ही उसकी पत्नी है वो अपना पसीना साफ चेहरे पर पसीना साफ करने के लिए भी नहीं रुक पाए द वाइफ इन ए ड्रेसिंग गाउन और जो उसकी वाइफ है वो एक गाउन पहने हुए हर टेंगल्ड हेयर उसके उलझे बाल ट्राई टू नोट जो जिसमें ट्राइड इन ए नोट जो गांठ के अंदर थे बंधे हुए थे हर मेकअप ऑल स्मल्ड और उसका जो मेकअप है उसके ऊपर धब्बे पड़ गए थे एंड और ही यानी वह पेंसिल एंड पेपर इन हैंड पेंसिल और कागज उसके हाथ में था एंड स्मोकिंग सिगरेट आफ्टर सिगरेट और एक सिगरेट के बाद में दूसरी सिगरेट पी रहा था रेन फ्रॉम रूम टू रूम एक रूम से दूसरे कमरे में दौड़ा टिकिंग ऑफ आइटम्स इन लॉन्ग लिस्ट और बड़ी सूची के अंदर जो चीज है उनके टिक लगा रहा था बाई 5:00 PM तक दे हैड सक्सेसिड इन पुटिंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन द अरेंजमेंट
वो सफल हो गए कुछ प्रकार की जो चीजें हैं उनको क्रम में रखने के अंदर, जैसे चेयर है, टेबल है, साइड टेबल है, नेपकिन से फ्लोवर फूल हैं, देवर ऑल देयर इन द वरामदा, ये सभी हैं वो वरामदा में थे, नियरली नीटली अरेंज्ड और उनको स्वच्छ रूप से उनकी व्यवस्था कर दी गई। नाउ दे टर्न्ड देयर अटेंशन टू द ब्रिक ए ब्रेस, और अब उनका जो घरेलू घर के छोटे सामान है उनकी ओर ध्यान गया। इन द रूम कमरे में आइदर शिफ्टिंग देम बिहाइंड द अलमीरा, या तो वो उन चीजों को अलमारी के पीछे उन्होंने लगा दिया, और सोविंग देम अंडर द बेड शीट्स, या फिर चारपाई के नीचे उनको रख दिया। सडनली अचानक ए प्रॉब्लम रियर्ड अप बिफोर सामनाथ, सामनाथ के सामने एक अचानक एक समस्या आ गई। व्हाट अबाउट मदर, माँ का क्या किया जाए? टिल नाउ जब तक नाइदर ही नोर हिज वाइफ हैड थॉट ऑफ इट, अब तक न तो वह और नहीं उसकी पत्नी उसके बारे में सोचा था। सामनाथ टर्न ऑन हिज हील्स, सामनाथ है वो अपनी एडी के ऊपर हुआ, एंड आस्ट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी उसे कहा इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर, एंड व्हाट अबाउट मदर, माँ का क्या होगा? द वाइफ इंटरप्रेटेड हर वर्क, पत्नी है उसने अपने काम के अंदर हस्तक्षेप किया। डिड सम हार्ड थिंकिंग, और ज्यादा सोचते हुए, वेल ठीक है, आई वी शैल सेंड हर टू द नाइबर्स, हम उसको पड़ोस में भेज देंगे। सी कैन स्टे देयर फॉर द नाइट, वह वहां रात भर रुक जाएगी। वी शैल ब्रिंग हर बैक टुमारो, हम उसको सुबह ले आएंगे। श्यामनाथ स्क्रूड अप हिज आई, उसने अपनी आंखें उनको सिकोड़ी, एंड लुक्ड एट हर थॉटफुली, और उसकी ओर बहुत सोचने के तरीके से देखा। नो नहीं, दैट वॉन्ट डू, ऐसा नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गिव ए वाइड ब्रेथ टू द नेक्स्ट डोर हैग, आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहता हूं एक विस्तृत, द नेक्स्ट हैग यानी अगले अगले जो जो दरवाजे की बुढ़िया है उसको मैं एक चौड़ी सीट देना चाहता हूँ। इफ मदर स्टे इन द नाइट विथ हर, यदि माँ उसके साथ में रात को रुक जाएगी, शी विल अगेन स्टार्ट कमिंग टू अवर हाउस, तो वह पुनः अपने घर में आने लग जाएगी। आई टेल यू व्हाट, मैं आपको बताऊँ कैसे, वी विल टेल मदर टू फिनिश हर मील अर्ली, हम माँ को कहेंगे कि वह अपना भोजन है वो जल्दी समाप्त कर ले, एंड रिटायर टू हर रूम, और अपने कमरे को चली जाए। द गेस्ट वॉन्ट स्टार्ट कमिंग बिफोर 8, और जो मेहमान हैं वो 8 बजे से पहले नहीं आएंगे। द प्रपोजिशन साउंड राइट, और ये जो प्रस्ताव है उसको सही मान लिया गया। बट सडनली द वाइफ सेड, लेकिन अचानक उस पत्नी ने कहा, बट इफ ही सी फेल्स एस्लिप एंड स्टार्ट स्नोरिंग, लेकिन यदि वह सो गई और खर्राटे भरने लग गई, देन तब हर रूम इज नेक्स्ट टू वेयर डिनर विल बी सर्वड, और उनका जो कमरा है वो तो पास में ही है जहाँ पर भोजन परोसा जाएगा। वी सेल आस्क हर टू क्लोज द डोर, हम उसको कह देंगे कि दरवाजा बंद कर ले, एंड और आई सेल लुक इट फ्रॉम द आउटसाइड, और मैं इसको बाहर से लॉक एंड ताला लगा दूंगा, और बैटरी स्टिल, और ज्यादा अच्छा, आई सेल आस्क मदर नोट टू फॉल एसलिप, और मैं माँ को कह दूंगा कि वह सोए नहीं, शी मस्ट कीप अवेक एंड सिटिंग, वह अवश्य ही जागती रहे और बैठी रहे। बट सपोज द शी डज फॉल एसलिप, लेकिन कल्पना करो यदि वह सो गई, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग डिनर विल लास्ट, और आपको मालूम नहीं है कि भोजन है वो कितना लंबा चल सकता है। इन एनी केस, किसी भी मामले में, यू कैन लीव द बार बिफोर 11, और यू कांट लीव, आप नहीं छोड़ सकते हो द बार यानी मधुशाला को बिफोर 11, आप 11 बजे से पहले मधुशाला को नहीं छोड़ सकते हो, यानी शराब पीना नहीं छोड़ सकते हो। श्यामनाथ थ्रू अप हिज हैंड्स, श्यामनाथ है उसने अपना थ्रू अप हिज हैंड्स, अपना हाथ है वो घुमाया इन इरिटेशन, चिड़चिड़ेपन के अंदर। शी वॉज गोइंग टू विजिट हर ब्रोदर, वह अपने भाई के पास जा रही थी। एंड यू स्टक योर नोज इन, लेकिन आपने उसको रोक दिया। वॉन्टेड टू कीप अप एप्रिहेंशन बिफोर योर फ्रेंड्स, वॉन्टेड टू कीप अप, और आप रखना चाहते हो एप्रिसिएशन दिखाना बिफोर योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। नो वाट डू वी डू, अब हम क्या करें था, अच्छा, वाई शुड आई अर्न ए बैड नेम बाई कमिंग बिटवीन मदर एंड सन, और मैं क्यों माँ और पुत्र के बीच में आकर के मेरा खराब नाम करूं। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ दिस अफेयर, मैं इस अफेयर या इस मामले से मेरे हाथ झाड़ लेती हूँ। डू एज यू प्लीज, आप वैसा ही करें जैसा आपको पसंद हो। मिस्टर श्यामनाथ हेल्ड हिज पीस, मिस्टर श्यामनाथ है वो पीस यानी चुपचाप हो गया। दिस वॉज नो टाइम फॉर बेंडिंग वर्क, और ये समय नहीं है कि जो काम है उसको बहस के लिए समय नहीं था। बट लेकिन फोर कूल
कूल थिंकिंग लेकिन शांति से सोचने का था। ही टर्न राउंड एंड लुक्ड एट मदर्स रूम। वह मुड़ा और माँ के कमरे की ओर देखा। ही हर रूम ओपन्ड। उसका कमरा है वो खुला था। ऑन टू द वरामदा। वरामदा के अंदर। एज ही गेज स्वेप्ट ओवर द वरामदा। और जैसे उसने उस वरामदे की ओर देखा, ए थॉट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड। एक विचार है वो उसके दिमाग के अंदर आया। आई हैव गॉट इट। मैं इसको कर लूंगा, ही सेड। उसने कहा प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से। ही स्टोर्ड वह टुवार्ड्स मदर्स रूम। वह माँ के कमरे की ओर चला। विथ हर बैक अगेंस्ट और उसके पीछे द वाल दीवार। मदर वाज सिटिंग ऑन ए लो वुडन चौकी। माता है वो एक छोटी लकड़ी की चौकी पर बैठी हुई थी। हर फेस ऑलमोस्ट कवर्ड विथ द दुपट्टा। और उसका चेहरा है वो लगभग दुपट्टे से ढका हुआ था। शी वाज टेलिंग हर बेड से। वह अपनी माला जप रही थी। सिंस मॉर्निंग। और जब से सुबह से। शी हैड बीन नर्वस एट द गोइंग्स ऑन द हाउस। और वह नर्वस से निराश थी कि क्या घर के अंदर चल रहा था। द बिग बॉस फ्रॉम द सन्स ऑफिस वाज कमिंग टू देयर हाउस। और उसके पुत्र का जो कार्यालय है उसका बड़ा बॉस है वो घर पर आ रहा था। एंड शी वाज एंग्शियस। और वह उत्सुक थी। दैट एवरीथिंग शुड गो वेल। की सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। मदर फिनिश योर मील अर्ली दिस इवनिंग। माताजी आप अपना भोजन है वो शाम को जल्दी खत्म कर लेना। द गेस्ट विल बी हियर एट 7:30। और मेहमान है वो 7:30 तक आएंगे। मदर स्लोली अनकवर्ड हर फेस। माँ ने अपना धीरे धीरे अपना जो चेहरा है उसको खोला। एंड लुक्ड एट हर सन। और अपने पुत्र की ओर देखा। सन आई वॉन्ट टेक माई मील टूडे। पुत्र मैं आज भोजन नहीं लूंगी। यू नो आप जानते हो वेरी वेल अच्छी तरह से। आई डोंट ईट व्हेन फ्लेश इज कुक्ड इन द हाउस। मैं खाना नहीं खाती हूँ जब घर में मांस पकाया जाता है। एनीवे अन्यथा रिटायर टू योर रूम अर्ली। आप अपने कमरे को जल्दी चले जाना। ऑल राइट सन। बिल्कुल ठीक पुत्र। एंड मदर और माँ आई विल रिसीव द गेस्ट इन द ड्राइविंग रूम। और मैं मेहमान है उनको ड्राइंग रूम है उसके अंदर ड्राइंग रूम के अंदर उनको प्राप्त करूँगा। टिल देन यू स्टे इन द बरामदा। और जब तक आप बरामदे में ठहरना। वेन वी मूव इन टू द बरामदा। और जब हम बरामदा में आ जाएं, यू विल क्वाइटली स्लिप इन टू द ड्राइविंग रूम। तो आप बैठक के अंदर बिल्कुल शांति से चली जाना थ्रू द बाथरूम से होती हुई। फॉर एन इंस्टेंट मदर। और उसी क्षण माताजी लुक्ड एट हर सन। उसने अपने पुत्र की ओर देखा। देन शी सेड फेंटली। तब उसने मुरझाएपन से कहा ऑल राइट सन। बिल्कुल सही है पुत्र। वन थिंग मोर। और इससे ज्यादा एक चीज। मदर माँ डू नॉट गो टू स्लीप अर्ली। माता कृपया आप जल्दी मत सो जाना। एज यू डू जैसा कि आप करती हो। यू स्नोर कैरी फार। आपके जो खर्राटे हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। आई कैंट हेल्प इट सन। आई कैंट हेल्प इट। मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ पुत्र। सी सेड वह बोली असेम्ड यानी शर्मिंदगी के साथ में। आई हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सिंस माई लास्ट इलनेस। और मैं मुश्किल से ही सांस ले पाती हूँ मेरी पिछली बीमारी से। मिस्टर श्यामनाथ हैज फिक्स्ड एवरीथिंग। मिस्टर श्यामनाथ ने प्रत्येक चीज को फिक्स कर दी थी। बट ही स्टिल फेल्ट एंग्शियस। लेकिन वह अब भी चिंतालु था। द अरेंजमेंट डिड नॉट सीम फुल प्रूफ। और जो व्यवस्थाएं हैं वो मूर्खता विहीन दिखाई नहीं दे रही थी। वाट इफ द बॉस टुक इन टू हिज हेड टू स्टेप इन द बरामदा। वाट यानी यदि। इफ द बॉस यदि बॉस है टुक इन टू हेड टू स्टेप इन टू द बरामदा। यदि वो अपना पांव है वो बरामदा में रख दें। देयर वुड बी अबाउट 10 गेस्ट। और उसमें लगभग 10 मेहमान होंगे। मोस्टली हिज इंडियन कुलिक्स और ज्यादातर उसके भारतीय साथी। एंड देयर वाइफ और उनकी पत्नियां। एनी वन ऑफ देम माइट लाइक टू यूज द बाथरूम। और उनमें से कोई भी है वो बाथरूम का प्रयोग कर सकता है। ओ अरे वाट ए न्यूसेंस। कितनी बड़ी गलती। ही ब्रोट अप ए चेयर। वह एक कुर्सी लेकर के आया। एंड प्लेसिंग इट बाय द डोर साइड। और उसने उसको दरवाजे के पास में रख दी। मदर माँ लेट्स सी हाउ यू लुक इन हिज चेयर। माताजी देखो कि कैसे वह इसी कुर्सी के अंदर दिखाई देती है। मदर नर्वसली फिंगर्ड हर बियर्ड से।
माँ है वो नर्वसली यानी हताशा रूप से अपनी अंगुलियां हैं वो माला के मोतियों पर चलाई, एडजस्टेड हरे दुपट्टा ओवर हर हेड, और उसने अपने दुपट्टे को अपने सर पर व्यवस्थित किया एंड सेट डाउन इन द चेयर और कुर्सी के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, नो मदर नो, नहीं माँ नहीं, नो लाइक दिस, इस तरह नहीं, नोट विथ योर फीट अप, अपने पैर ऊपर मत रखो, इट्स नोट ए कोट, ये एक चारपाई नहीं है, इट्स ए चेयर, ए चेयर, ये एक कुर्सी है, एक कुर्सी, मदर डेंगल हर फिट, माता है उसकी, माँ जो माता है, माता जी है उसने, माँ है उसने अपने जो पैर हैं वो झुलाने लग गई, एंड प्लीज प्लीज और कृपया कृपया मदर माँ, डोंट वॉक अबाउट अबाउट 4 फुट, डोंट वॉक मत चलो अबाउट बेयर फुट नंगे पाँव, एंड डोंट वियर दोज वुडन सैंडल्स ऑफ योवर्स, और नहीं आपकी इन लकड़ियों को मत पहन, लकड़ी की इन चप्पलों को मत पहनना, वन डे आई शैल थ्रो देम अवे, एक दिन मैं उनको दूर फेंक दूंगा। मदर वाज साइलेंट, माँ चुपचाप थी, एंड और वाट विल यू वियर मदर, मदर आप क्या पहनती हो, क्या मदर आप, माँ आप क्या पहनोगी, आई शैल वियर दैट आई हैव, आप जो कुछ दोगे मैं ले लूंगी, आई शैल वियर वाट यू आस्क मी टू डू, और मैं वही पहन लूंगी जिसको जिसके लिए आप मेरे को कहो। मिस्टर सामनाथ इंस्पेक्टेड हिज मदर, मिस्टर सामनाथ है उसने अपनी माँ का निरीक्षण किया विथ हाफ क्लोज आई, अपनी आंखें आधी आंखें बंद करके, ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट हिज मदर शुड बी मेड टू वियर फॉर द ओकेजन, और वह यह कोशिश यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि इस अवसर पर उसकी माँ क्या पहने। ही वाज ए स्टिकलर फॉर डिसिप्लिन इन द हाउस, वह बहुत आग्रही था फोर डिसिप्लिन अनुशासन के लिए इन द हाउस, घर के अंदर ही हैड इट इन द फाइनल से इन एवरीथिंग, और वह किसी भी चीज के अंदर अंतिम कहने वाले था, वेयर द पैक्स, कहाँ पर खूंटियां शुड बी फिक्स, लगानी चाहिए, इन द वॉल्स, दीवारों के अंदर, इन व्हाट कॉर्नर द बेड सेट से शुड बी प्लेस्ड, और किस जगह पर जो चारपाई है उसको रखी जानी चाहिए, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द कर्टेन, पर्दों का कैसा रंग होना चाहिए, विच साड़ी हिज वाइफ शुड पुट ऑन, और कौन सी साड़ी उसकी पत्नी को पहननी पहननी चाहिए, व्हाट शुड बी द डिजाइन ऑफ द टेबल, और टेबल की कौन सी डिजाइन होनी चाहिए। मिस्टर श्यामनाथ वाज मेटिकुलस अबाउट द स्मॉलेस्ट डिटेल, और मिस्टर श्यामनाथ है वो प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक छोटी सी चीज के लिए सतर्क था, बहुत ज्यादा सतर्क था। ही लुक्ड एट मदर फ्रॉम हेड टू फुट, उसने अपनी माँ को सर से पांव तक देखा, बेटर वियर विथ ए कमीज, अच्छा पहने हुए कमीज एंड सलवार, जस्ट गो एंड ड्रेस अप, जल्दी जाओ और पहन करके आओ, लेट सी हाउ यू लुक इन देम, और यह देखा जाए कि इसमें आप कैसी दिखाई देते हो। मदर गोट अप स्लोली एंड वेंट इन टू हर रूम, माँ है वो गोट अप स्लोली, धीरे धीरे उठी और कमरे के अंदर चली गई। श्यामनाथ टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड इन इंग्लिश, श्यामनाथ है उसने अपनी, श्यामनाथ अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और उसको इंग्लिश में बोला, मदर इज ए प्रॉब्लम, माँ एक समस्या है, देयर से नो एंड ऑफ हर ऑडिटीज, उसकी विचित्रताओं की कोई कोई कमी नहीं है, कोई अंत नहीं है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, और यदि कुछ गलत चीज हो जाएगी, एंड बॉस इज ऑफेंड, और बॉस नाराज हो जाएंगे, यू नो व्हाट विल हैपन, तो आप जानते हो क्या घटित होने वाला है। मदर कैम आउट इन व्हाइट कमीज एंड व्हाइट सलवार, माँ है वो व्हाइट कमीज, सफेद कमीज और सफेद सलवार के अंदर बाहर आई, शॉर्ट शॉर्ट एंड छोटा, शिविल्ड लेक लस्टर आईज, मुरझाए हुए लेक लस्टर से और उदासीन आंखों से, ओनली हाफ ऑफ द स्पेरस हेयर, और केवल आधे उसके जो बाल हैं, कवर्ड विद द दुपट्टा, वो दुपट्टे से ढके हुए थे। शी लुक्ड ओनली स्लाइटली इम्प्रूव्ड, और वह थोड़ी सी सुधरी हुई दिख रही थी। श्यामनाथ लुक्ड एट हर ड्यूबियसली, श्यामनाथ है उसने उसकी उसके ऊपर संदेह से देखा, दैट दैट विल डू, क्या क्या हो, इफ यू हैव एनी बेंगल से, क्या आपके पास में कोई चूड़िया है कि, पुट देम ऑन टू, आप उनको पहन लो, आई हैव नो बेंगल्स सन, मेरे पास चूड़िया नहीं है पुत्र, यू नो दैट, आप ये जानते हो, आई हैड टू सेल ऑल माई ज्वेलरी फॉर योर एजुकेशन, और मैंने आपकी शिक्षा के लिए मेरा पूरा गहना है वो बेच चुकी हूँ, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है ठीक है, वाट डू यू मेक ए सॉन्ग अबाउट इट, आप इसके बारे में गाना क्यों बना रही हो। मदर माँ ही सेड, वह बोला, वाई कैरी ऑन अबाउट इट, क्यों इसको जारी रखे हो, जस्ट से दैट यू डोंट हैव एनी, और आप बिल्कुल ऐसे ही कह दो ना कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। वाई ब्रिंग इन द क्वेश्चन ऑफ माई एजुकेशन, यहाँ पर मेरी शिक्षा का प्रश्न कहाँ से आ गया, द ज्वेलरी वॉज सोल्ड टू गुड पर्पज, और गहने हैं वो अच्छे उद्देश्य के लिए बेचे गए।
वाजंट इट, क्या ऐसा नहीं था क्या? आई एम नॉट ए लोफर, मैं ये कोई लोफर नहीं हूँ। एम आई, क्या मैं ऐसा हूँ? आई सेल पे यू बैक डबल वाट यू स्पेंड ऑन मी, और मैं आपको दुगना भुगतान कर दूंगा जितना मेरे पर खर्च किया था। मे माई टंग बी रिड्यूस्ड टू आशेज, हो सकता है कि मेरी टंग वो जबान है वो राख में बदल जाए। सन पुत्र, डज ए मदर एवर आस्क ए सन टू पे बैक, क्या कोई माँ है वो अपने पुत्र को वापस भुगतान करने के लिए कह सकती है? आई डिड नॉट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मेरे को गलत मत समझो। हैड आई द बेंगल्स, क्या मैं चूड़ियां रखती हूँ? आई वुड हैव वोर्न देम ऑल द टाइम, और मैंने उन सभी को समय से घिस दिया। बट आई डोंट हैव देम, लेकिन मैं अब उनके पास भी वो मेरे पास में नहीं है। नाउ इट वॉज पास्ट 5:30, और यह 5:30 बजे का समय था। मिस्टर श्यामनाथ हैड टू टेक हिज बाथ एंड गेट इन टू हिज डिनर सूट। मिस्टर श्यामनाथ को स्नान करना था और अपना डिनर का जो पोशाक वो पहनी थी। हिज वाइफ वॉज गेटिंग रेडी इन हर रूम, और उसकी पत्नी है वो अपने कमरे के अंदर तैयार हो रही थी। बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, श्यामनाथ अगेन इंस्ट्रक्टेड हिज मदर। श्यामनाथ ने पुनः अपनी माँ को निर्देश दिया। मदर डोंट सिट साइलेंट एज यू ऑलवेज डू, माँ बिल्कुल चुप मत बैठना जैसे कि आप हमेशा करती हो। इफ द साहिब कम्स, यदि साहिब आता है योर वे आपके आपकी तरफ से, एंड आस्क यू एनीथिंग, और आपको कुछ पूछता है, रिप्लाई टू हिम प्रॉपरली, तो उनको उचित जवाब देना। आई शैल टेल यू व्हाट टू से, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कहना है। आई एम इलिटरेटेड सन, मैं निरक्षर हूँ पुत्र। आई कैन नाइदर रीड नोर राइट, मां न तो लिख सकती हूँ और न ही पढ़ सकती हूँ। यू कैन टेल देम, आप उनको बता देना दैट कि योर मदर इज इग्नोरेंट, कि आपकी आपकी माँ है वो अज्ञानी है। इफ दैट हेल्प्स, यदि इससे कोई सहायता मिल जाए। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय गुजरा, मदर हर्ट स्टेप स्टार्टेड पॉन्डरिंग हेविली, माँ का जो हृदय है वो गहनता से धड़कने लगा। इफ द बॉस केम टू हर, यदि बॉस है उसके पास आएंगे, एंड आस्क हर सम क्वेश्चन, और उसको कुछ प्रश्न पूछेंगे, व्हाट वुड सी सी से, कि उसने क्या कहा? सी वॉज स्केर्ड ऑफ इंग्लिश, वह अंग्रेज लोग हैं उनसे भयभीत होती है। साहिब साहिबों से, इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, यहाँ तक कि दूर से। एंड दिस वन दे सेड, और वह है जिसके बारे में कहा जाता है वाज एन अमेरिकन, की वो तो अमेरिका का है। गॉड ओनली नो, भगवान जानता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अमेरिकन साहिब आस्क, कि अमेरिका का जो साहिब है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा? सी फेल्ट लाइक गोइंग अवे टू हर विडो फ्रेंड्स, वह महसूस करने लगी कि उसको अपनी विधवा मित्र मित्र है उसके पास चले जाना चाहिए। बट सी लैक्ड द करेज टू डिफाई हर सन्स ऑर्डर, लेकिन उसके अंदर साहस की कमी थी कि वह अपनी जो पुत्र है उसके आदेश की अवज्ञा कर सके। सी केप्ट सिटिंग देयर, वह वहां पर बैठी रही। डेंगलिंग हर लेग्स फ्रॉम द चेयर, और उसी चेयर या कुर्सी से अपने पांव झुलाती रही। मिस्टर श्यामनाथ डिनर हैड रीच्ड द क्रिशेंडो ऑफ सक्सेस, मिस्टर श्यामनाथ है उसकी जो रात्रि भोज पार्टी है वो अपनी सफलता की चरम सीमा पर थी। द टॉपिक्स चेंज्ड विथ एवरी चेंज ऑफ ग्लासेज, और प्रत्येक गिलास के परिवर्तन के साथ ही विषय बदल जाते। एवरीथिंग वॉज गोइंग सुपरबली, प्रत्येक चीज है वो शानदार चल रही थी। द साहिब लाइक द इंडियन डिशेज, एंड द मैम साहब हैं वो भारतीय व्यंजनों को पसंद कर रहे थे। एंड मैम साहब द कर्टेन, पर्दों को, द सोफा कवर, सोफा के कवरों का, द डिकोर, और घर की सजावट को। व्हाट मोर कुड द होस्ट आस्क फॉर, और इससे ज्यादा जो मेजबान है वो क्या पूछ सकता है? द साहिब हैड सेड हिज रिजर्व, साहब है उसने अपने संकोच है उसको दूर कर दिया। एंड वाज रीगेलिंग, और प्रसन्न कर रहा था द ऑडियंस श्रोताओं को विथ एंसीडोंट्स किस्सों के द्वारा। ही वाज ए जोवियल नाउ, और वह प्रसन्नचित था उस समय। एज ही वाज स्ट्रिक्ट इन द ऑफिस, जितना कि वह ऑफिस या कार्यालय के अंदर सख्त होता है। हिज वाइफ इन ए ब्लैक, उसकी पत्नी है वो एक काली गाउन यानी गाउन के अंदर, ए रोप ऑफ ए पर्ल्स राउंड हर नेक, और उसके गर्दन के चारों ओर मोतियों की एक माला थी। वियरिंग ए लाउड परफ्यूम, और गहरा जो इत्र है वो लगाई हुई थी। वाज द सिनेश्योर ऑफ द फीमेल गेस्ट, वह जो महिला मेहमान है उनके अंदर परामर्श देने वाली थी। शी लाव्ड, वह हंसी। शी नोडेड, उसने सर हिलाया। शी वाज सो फ्री, वह इतनी स्वतंत्र थी। विथ मिस्टर सामनाथ
मिसेज सामनाथ, मिसेज सामनाथ यानी सामनाथ की पत्नी के साथ में एंड विथ द मैन और व्यक्तियों के साथ में एज इफ मानो कि देवर ओल्ड फ्रेंड्स कि वो उसके पुराने मित्र हों। नोबडी रियलाइज्ड हाउ टाइम फ्लू, किसी भी व्यक्ति को महसूस नहीं हुआ कि समय कैसे गुजर गया। इट वॉज नाउ 10:30 और यह है अब 10:30 बजे का समय था। दे केम आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम से बाहर आए। मिसेज सामनाथ लीडिंग द वे एंड द बॉस एंड द अदर गेस्ट फॉलो। मिसेज सामनाथ, मिस्टर सामनाथ है वो उन बॉस व अन्य जो साथी हैं उनको रास्ता दिखा रहा था और अन्य मेहमान पीछे पीछे आ रहे थे। रिचिंग द वरामदा, वरामदा ने पहुंच कर मिसेज सामनाथ स्टॉप शॉर्ट। मिसेज सामनाथ है, मिस्टर सामनाथ है वो कुछ समय के लिए रुक गया। व्हाट ही सा मेड हिम वीक इन द लेग्स, और उसने देखा ये सब चीजें उसको कमजोर बना दी। इन द लेग्स यह छूट गई। हिज स्माइल वेनिस्ट, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आउटसाइड हर रूम, उसके कमरे के बाहर मदर वाज सिटिंग एग्जैक्टली, माँ है वो बैठी हुई थी ठीक उसी प्रकार से। एज ही हैड लेफ्ट हर, लेफ्ट हर जैसा कि उसने उसको छोड़ा था। बट बोथ हर फीट वर ऑन द सीट, लेकिन उसके दोनों पाँव हैं वो सीट या सीट सीट के ऊपर थे। एंड हर हेड स्वेड, और उसका सर है वो झूल रहा था फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। शी स्नोर्ड हेवीली, उसने जोर से खर्राटे भरे। वेन हर हेड फेल टू वन साइड, जब उसका सर है वो एक तरफ लुढ़क गया। हर स्नोर बिकेम लाउडर, तो उसके खर्राटे हैं वो ज्यादा तेज हो गए। एंड और वेन शी अवोक विथ ए जोल्ट, जब वह जगी एक झटके के साथ में। सी अगेन स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम साइड टू साइड, तो वह पुनः झूलने लगी एक तरफ से दूसरी तरफ। द एंड ऑफ हर दुपट्टा हेड स्लिप्ड, और उसका जो दुपट्टा है वो एक तरफ फिसल गया फ्रॉम हर हेड उसके सर से। एंड हर थिन हेयर ले इन कंफ्यूजन, और उसके जो पतले जो बाल हैं वो असमंजस में पड़े हुए थे। ओवर द ब्लेड गन पोर्सन ऑफ हर हेड, उसका सर का जो बाल भीन या जो गंजा गंजी जगह थी उसके ऊपर। मिस्टर सामनाथ सीज्ड विथ एंगर, मिस्टर सामनाथ है वो गुस्से से उबल पड़ा। ही फेल्ट लाइक गिविंग हर ए वाइल्ड शेकिंग, वह उसको एक एक जंगली तरह से उसको हिलाना चाहता था। एंड देन पुशिंग हर इन टू हर रूम, और फिर उसको उसके कमरे में धकेलना चाहता था। बट द बॉस एंड द अदर गेस्ट वर स्टैंडिंग बाई, लेकिन बॉस और अन्य मेहमान हैं वो उसके पास में खड़े हुए थे। व्हाट कुड ही डू, तो वह क्या कर सकता था। द वाइफ ऑफ द अदर गेस्ट टीटर्ड, वाइफ इन पत्नियां, जो अन्य जो मेहमान हैं उनकी पत्नियां हैं उन्होंने दबी हंसी हंसी। एंड द बॉस सेड, और बॉस ने कहा पुअर डियर, बेचारी प्रिय। मदर वो कब, माँ है वो जा गई। फ्लस्टर्ड 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 सींग सो मैनी पीपुल, और बहुत से लोगों को देख कर अराउंड हर उसके चारों ओर। सी गोट सो कन्फ्यूज, वह असमंजस में हो गई। देट सी कुड नॉट अटर ए वर्ड, और वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। सी कवर्ड हर हेड, उसने अपने सर को ढक लिया। एंड गेटिंग अप, और खड़ी हो गई अविक्वार्डली बेढंग तरीके से। सी स्टूड बिफोर देम, वह उनके सामने खड़ी थी। विथ डाउन कास्ट आई, नीचे आंखें करके। हर लेग सुख, उसके पांव कांप रहे थे। हर फिंगर्स ट्रेम्बल्ड, और उसकी अंगुलियां हैं वो लड़खड़ा रही थी। मदर माँ गो टू स्लीप, सोने चली जाओ। वाई डू यू कीप अवेक सो लेट, आप इतनी देर तक क्यों जाग रही हो। अशेम्ड शर्मिंदगी से ही लुक एट द बॉस, वह बॉस की ओर देखा। द बॉस वाज इन एक्सपेंसिव मूड, और जो बॉस हैं वो एक विस्तृत मिजाज के अंदर थे। ही स्माइल्ड वह मुस्कुराए। एंड सेड, और बोला नमस्ते। मदर ऑलमोस्ट सिंक इन टू हर सेल्फ, माँ है वो अपने आप में सिकुड़ गई। हेजिटेटली हिचकिचाहट के साथ में, शी ट्राइड टू फोल्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ हैं वो जोड़ने की कोशिश की इन ग्रीटिंग अभिवादन में। बट ऑन वन हैंड वाज इन साइड द दुपट्टा, लेकिन एक हाथ है वो दुपट्टे के अंदर था। विथ विच, जिसके अंदर। सी हेल्ड हर बीड्स, उसने अपने मोतियों को पकड़े हुए था। एंड हर इफोर्ट, और उसका प्रयास है लुक्ड क्लुमजी दिखाई दे रहा था। असमंजस में श्यामनाथ वाज अनोयड, और श्यामनाथ है वो चिंतित था। द बॉस एक्सटेंडेड हिज राइट हैंड, बॉस है उसने अपना जो दाहिना हाथ है उसके आगे बढ़ाया। मदर लुक्ड एट इट, माने उसकी ओर देखा। अलार्म्ड यानी चेताते हुए। मदर शेक हैंड विद द साहिब, मदर माँ है माँ साहिब से हाथ मिलाओ।
बट हाउ कुड सी, लेकिन वह कैसे कर सकती थी, सी वॉज होल्डिंग द बीड्स बियर्ड्स इन हर राइट हैंड, क्योंकि वह अपने दाहिने हाथ के अंदर मोतियों को पकड़ी हुई थी। इन कंफ्यूजन एस मंजस्मी शी प्लेस्ड हर लेफ्ट हैंड इन द साहिब्स राइट हैंड, उसने अपना बायां हाथ साहिब के दाएं हाथ में दे दिया। समवन गिगल्ड, कोई कोई व्यक्ति है वो दबी हंसी हंसा। श्यामनाथ वाज फ्यूरियस, श्यामनाथ है वो क्रोधित था। नोट लाइक दैट, इस तरह नहीं मदर माता जी, डोंट यू इवन नो हाउ टू शेक हैंड्स, और आपको ये भी पता नहीं है कि हाथ कैसे मिलाए जाते हैं। योर राइट हैंड प्लीज, आपका दायां हाथ प्लीज कृपया। बट बाई नाउ द बोस वाज पंपिंग हर लेफ्ट हैंड सेइंग, लेकिन अपने लेफ्ट अपने अपने बाएं हाथ को आगे करते हुए बोस है उसने कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। मदर से आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ धन्यवाद। मदर मम्बल्ड समथिंग, माँ है वो कुछ गुदगुदाई। समवन गिगल्ड, और कोई व्यक्ति है वो दबी हंसी हंसा। बट द क्राइसिस पास्ट, लेकिन यह जो कष्ट का समय गुजर गया। द बोस हैड सेव्ड द सिचुएशन, बोस ने उस परिस्थिति को संभाल लिया। श्यामनाथ एंगर स्टार्टेड एबिंग, और श्यामनाथ का जो गुस्सा है वो घटने लग गया। द साहिब वाज स्टिल होल्डिंग मदर्स हैंड, और साहिब है वो अभी माँ का हाथ पकड़ी हुए था। एंड और स्टैंडिंग स्टिल शांत, सी स्टैंडिंग स्टिल, वह शांत खड़ी हुई थी, अटरली कंफ्यूज, कुछ असमंजस के अंदर। श्यामनाथ सेठ, श्यामनाथ का सर, माई मदर्स फ्रॉम ए विलेज, मेरी माँ है वो गांव से है। शी हैज लिव्ड इन ए विलेज ऑल हर लाइफ, वह अपने पूरे जीवन भर गांव में ही रही। दैट्स वाई, यही कारण है शी फीलिंग सो शाई, वह इतनी शर्मिंदगी महसूस करती है। इज दैट सो, क्या यह है, ऐसा है क्या। द साहिब सेड चीयरफुली, साहिब है वो प्रसन्नतापूर्वक उसने कहा, वेल ठीक है, आई लाइक विलेज फोक, मैं गांव के लोगों को पसंद करता हूँ। आई गैस गैस इज योर मदर मस्ट बी नोइंग फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेज, और मैं अनुमान लगाता हूँ कि अवश्य ये आपकी माँ है, उसको लोकगीत और लोक नृत्य है वो आते होंगे। द बोस नोडेड हिज हेड, बोस ने अपना सर हिलाया। एंड लुकड अप्रूविंगली एट मदर, और माँ की सहमति है उसकी ओर उसने देखा। मदर, द साहिब वांट यू टू सिंग, माँ साहब चाहते हैं कि तुम गाओ। एन ओल्ड सॉन्ग, कोई पुराना गीत। एनी ओल्ड सॉन्ग, एनी ओल्ड सॉन्ग, कोई भी पुराना गीत। यू नो सो मैनी, तुम बहुत सी जानते हो। आई कैंट सिंग, मैं गा नहीं सकती। मदर सेड इन ए वीक वॉइस, माँ है वो एक कमजोर आवाज में उसने कहा। हैव यू एवर हर्ड मी सिंगिंग, क्या तुमने कभी मेरे को गाते हुए सुना है क्या। मदर, माँ ही सेड, वह बोला, डज वन एवर रिफ्यूज ए गेस्ट, क्या अपने मेहमान को मना करोगी। इफ यू डोंट सिंग, यदि आपको नहीं गाना आता है। द साहिब मे फील ओफेंड, तो साहब हैं वो नाराजगी महसूस करेंगे। लुक देखो, ही इज वेटिंग, वो अब भी इंतजार कर रहे हैं। बट आई डोंट नो एनी सॉन्ग, लेकिन मैं कोई भी गाना नहीं जानती हूँ। आई नो नथिंग ऑफ सिंगिंग, और मैं कोई भी चीज, आई एम नथिंग ऑफ सिंगिंग, मेरे को कुछ भी गाना नहीं आता है। कम मदर, यहाँ ओ माँ, जस्ट सिंग ए कपलेट और टू, आप एक दोहा या दो दोहे हैं वो गा दो। द पोमी ग्रेनेड सॉन्ग, अनार वाला गाना, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। द इंडियन कुलिक्स एंड देयर वाइव्स क्लेव्ड देयर हैंड्स, और उसके भारतीय साथी और उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने तालियां बजाई एट द मेंशन ऑफ दिस सॉन्ग, इस गाने के वर्णन पर। मदर लुक्ड विथ इम्प्रूविंग आई, माँ है वो इम्प्लोरिंग आईज, यानी खोजती